नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। तो चुनाव के पहले पूरे देश में CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बीजेपी कह रही है कि जो कहा सो किया। वहीं विपक्ष ने इसे चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश बताया है। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें इसके पहले आपको बता दें कि इस कानून से भारत में रहने वाले किसी शख्स की नागरिकता नहीं जाने वाली है, चाहे वो मुसलमान हो या कोई और। CAA लागू होने से हमारे पड़ोस के 3 देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिमों को नागरिकता मिलने वाली है। इसमें मुस्लिम शामिल नहीं है, तब इसको लेकर देश में क्यों बवाल हो रहा है? देश के किसी मुसलमान की नागरिकता नहीं जाने वाली है, बल्कि पड़ोसी देशों के उन हिंदू, सिख, जैन और ईसाइयों को भारत की नागरिकता मिलने वाली है जो वहां अल्पसंख्यक हैं। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता मनोज सिंह काका, कांग्रेस प्रवक्ता सतनाथ तिवारी और बीजेपी नेता अनुजा कपूर। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले अनुजा जी आपके पास आते हैं कि कल नोटिफिकेशन जारी हो गया, CAA लागू कर दिया गया। आप जरा समझाइए कि इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या हैं और इसे लागू होने पर भारत के किसी भी नागरिक को, स्पेशली माइनॉरिटीज को, घबराने की जरूरत है क्या? जय श्री राम आप सभी को और आप लोगों का आगे का दिन शुभ हो। मुझे जो एक उत्तरदायित्व अभी आपने दिया ये समझाने के लिए, यही समझाने की बात है जो सभी को, जो माइनॉरिटीज के अंदर एक डर पैदा कर रहा है और एक ऐसा फियर जिससे कि दंगे क्रिएट हो सकते हैं, वो पॉलिटिकली जनरेटेड है। ये CAA जो 2019 में लॉ बनकर आया, अब वो लॉ ऑफ द लैंड है और इसका जो नोटिफिकेशन जो है, इसके रूल्स जो है वो अब चालू हो रहे हैं, क्योंकि 5 साल का क्लॉज के हिसाब से कूलिंग ऑफ पीरियड दिया गया था ताकि लोग इसको समझे, इसके अंदर जो नॉमिनेशंस होने थे, जो चीजें आनी थी वो इसके अंदर आए। आप ये देखिए कि जो हमारे बॉर्डर से सटे हुए अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, वो ऑलरेडी एक इस्लामिक कंट्रीज है और उस इस्लामिक कंट्री के अंदर माइनॉरिटीज है, ये हिंदू के माइनॉरिटी, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस और पारसी। क्यों किसी को डर है कि उनको नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? अरे वो तो हमारे ही भाई बहन है, जैसे हमारे मुस्लिम भाई बहन यहां पर अब एक देश के अंदर, इंडिया जिसको हमने कभी हिंदू राष्ट्र नहीं कहा, जबकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र है और पोस्ट पार्टीशन के बाद जिन्ना ने इसको अलग कर दिया था हमारे हिंदू, हमारे इंडिया से। इंडिया में आज भी हमारे हिंदू के साथ हमारे मुसलमान भाई जो हमारे अपने ब्रदरहुड में, सिस्टरहुड में आते हैं, उनका आज भी आप परसेंट देखिए 19% से 20% तक माना जाता है। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में क्या इस हिंदू माइनॉरिटीज या ये बाकी जो माइनॉरिटीज हैं जिनको आज नागरिकता कल में मिली है, क्या उनका परसेंट कितना घट गया और कितने सालों में घट गया? 1948 में 16% आपका वेस्ट पाकिस्तान में, आपका 1951 में 1.6% और आज की डेट में 1.5%। ये बहुत ही चौंकाने वाले डेटा है। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसमें 1951 में 23%, 15% रहा आपका 1964 में और आज सिर्फ 8%। क्या आप इन्हें मेजॉरिटी कहेंगे? इनके साथ जो रिलीजियस प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है, जो प्रताड़िता इनके साथ हुई, आज जब वो भागकर वहां से यहां आए तो उनके साथ ना तो जॉब्स थी, ना उनकी डिग्निटी थी और ना बेसिक ह्यूमन राइट्स के अंदर वो अपने आप को एक नागरिक मान सकते थे। जो हम, जो मोदी जी की स्कीम्स हैं, जो किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम है, यहां में सिर्फ मोदी जी की स्कीम्स नहीं, किसी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स जो थी इतने 70 सालों में उन्हें नहीं मिली, जो CPIM और कांग्रेस ने 2012 में, 2015 में भी कहा। जी, अभी मेरा सवाल आपसे सिर्फ ये था कि मैं चाहती थी आप बताइए कि क्या किसी को भी डरने की जरूरत है ये लागू होने के बाद? असतनाथ जी, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? नहीं, हम नहीं विरोध कर रहे हैं और हमें करना भी नहीं चाहिए। ये कानून नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून तो है नहीं। इसके तहत नागरिकता देने, जो भी इन 3 देशों से आए हैं गैर मुस्लिम, कौन सी बड़ी बात है? आपको याद होगा जब बांग्लादेश बना था और बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय पाकिस्तान और जो नया बांग्लादेश बना,
वहां से बड़ी तादाद में लोग हिंदुस्तान आए, भारत में आए, वहां प्रताड़ना का शिकार थे या किसी अन्य वजह से लोग आए। मुक्ता जी, हमारे आपके गांव में, शहरों में, हर शहर में एक बंगाली कॉलोनी या एक रिफ्यूजी कॉलोनी हुआ करता है जी। ये बंगाली कॉलोनी और रिफ्यूजी कॉलोनी वही है। वहां के लोग आए, इंदिरा जी ने ससम्मान उन्हें यहाँ की नागरिकता दी, लेकिन उसके लिए कोई हवा खड़ा नहीं किया कि हम CAA ला रहे हैं, हम TAA ला रहे हैं। ये प्रोपेगेंडा, ये हवा कुछ नहीं किया। बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से एजेंसीज को काम दिया गया कि भाई जो लोग आए हैं इनके बारे में जानकारी जुटाइए, कैसे लोग हैं, कहाँ से आए, इनका रिकॉर्ड क्या है। जिनका रिकॉर्ड उनके अपने मुल्क में खराब था, उन्हें यहाँ की नागरिकता नहीं दी गई, उनके देश से संपर्क किया गया और उन्हें वापस उस देश में भेज दिया गया कि भाई आपके नागरिक आप जाइए। जिनका रिकॉर्ड वहां अच्छा था और पता चला कि हाँ वाकई प्रताड़ना का शिकार है, वो यहाँ आए और आज हमारे यहाँ बंगाली कॉलोनीज और रिफ्यूजी कॉलोनीज हैं। हाँ, ये है कि उसमें धार्मिक आधार पर कोई भेद नहीं किया गया। हम अपने रिचुअल्स को मानने वाले लोग हैं। ऋग्वेद में कहा गया है कि प्रजा और प्रजा में भेद करना महापाप है, राजा ये काम नहीं कर सकता। तो शासक को प्रजा और प्रजा में भेद नहीं करना चाहिए। हमने कोई भेद नहीं किया कि हम मुसलमानों को नहीं रखेंगे, सिर्फ हिंदुओं को नागरिकता देंगे। जो भी प्रताड़ित लोग वहां आए, वो अगर वहां के सही लोग थे, प्रताड़ना से ही हमारे यहाँ आए थे, तो हमने उनको नागरिकता दी और उनको बसाया। और हम तो इस बहस में उलझना भी नहीं चाहते। तो आप, और हम तो आप कैसे असित नाजी, इसमें भेदभाव की बात कहाँ से आ रही है? जिन तीन देशों की ये बात कर रहे हैं, मुस्लिम बाहुल देश है, तो वहां से जाहिर सी बात है कि मुस्लिम को नागरिकता तो दी नहीं जाएगी। जो अल्पसंख्यक है उन्हीं को नागरिकता देने की बात की जा रही है, तो आप इसे क्यों भेदभाव इसमें क्यों आप बता रहे हैं? मैं बता रहा हूँ, जो जो उस समय बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के समय अपने देश में लोग आए थे, उसमें बड़ी संख्या में शिया मुसलमान और अहमदिया मुसलमान थे। शिया और अहमदिया यहाँ आए और उन्होंने ये बताया कि भाई वहाँ देखिए हर जगह विभेद है, शिया सुन्नी अहमदिया बरेली अपने देश में भी है, बाकी देशों में भी। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हमने धर्म के अंदर हम लोगों ने इतने खांचे बना रखे हैं ना, सारे लोगों ने। ऊपर ऊपर आपको लगता है, मुसलमानों को लगता है हिंदू गोलबंद है, हिंदुओं को लगता है मुसलमान बड़े एकजुट है। कुछ नहीं है भैया, इनके अंदर घुस के देखिएगा। मैं तो भाई राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता में भी रहा हूँ, इनके आपसी मतभेद इतने हैं, आपसी लड़ाइयां इतनी है, पता नहीं धर्म जो बना वो लोगों को बेहतर बनाने के लिए बना कि आपसी लड़ाइयों के लिए बना, आपको समझना मुश्किल है। सबके भीतर की लड़ाइयां हैं। तो अहमदिया आए, शिया भी आए थे उस समय, और आज के दौर में भी बड़ी संख्या में पाकिस्तान और बांग्लादेश से अहमदिया मुसलमान आपके यहाँ आए हुए। थोड़ा वहां है कुछ प्रॉब्लम्स है इनके साथ, सियाओं के साथ भी थोड़ी दिक्कत वहां होती है। तो ठीक है, इनको जिनको देनी है। देखिए, मैं इस मामले में भाजपा की तारीफ करता हूँ, ये अपने एजेंडे को लेकर बड़ा क्लियर रहते हैं। इनका एजेंडा है, देखिए RSS ने कहा कि वो मुसलमानों को इस देश के लिए आंतरिक खतरा मानते हैं, तो इनका एजेंडा बड़ा क्लियर है। ये शुरू से कहते हैं खतरा, आज भी एक खतरा साबित करना चाहते हैं, भले वो खतरा हो ना हो, ये कोई ऐसा मौका। चलिए जरा इस पे मनोज सिंह जी की भी राय ले लेते हैं कि मनोज सिंह जी आपका क्या स्टैंड है इस पे? नहीं, हमारा, हम सभी का स्टैंड और पार्टी का, हमारे स्टैंड यही है जो हमारे संविधान के प्रस्तावना का जो स्टैंड है, जो हमारे प्रस्तावना की जो मान्यताएं हैं, भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है और इसमें सभी को प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि जो मोदी सरकार के ही आंकड़े हैं कि 6.7 मिलियन, लगभग हिंदी में अगर कहूँ तो 67 लाख बच्चे जिस देश के भूखे सो रहे हों, अपने ही बच्चे, जिस देश में मणिपुर से लेकर हाथरस जैसे जघन्य अपराध हो रहे हो, जिस देश में ग्लोबल हंगर की इंडेक्स की रिपोर्ट ये बताती है कि हमारे यहाँ भुखमरी की हालात ये है कि बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल से भी हम बदतर हालात में हैं, हम दूसरे देशों को नागरिकता दे रहे हैं, जो आंकड़े बताते हैं कि हम इस समय अगर US में देखा जाए तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अवैध रूप से वहां प्रवेश करने वाला अगर कहीं का नागरिक है तो हमारा नागरिक है, तो जो हम अपने ही जो नागरिक हैं उनको सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं और दूसरे देश के नागरिकों को हम नागरिकता देने चल रहे हैं, तो इसको गांव में वही कहते हैं कि घर में नहीं दाने और अम्मा चले भुलाने और अपनों पे सितम गैरों पे करम, तो किस तरह से इस देश की बुनियादी समस्याएं और मूलभूत जो जरूरतें हैं उससे कैसे खेला जाए, ये मोदी जी और उनके जो झूठों की जो जमात है जो कहते हैं कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है और दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो, तो ऐसे लोगों से क्या अपने नागरिकों को आप किस इंडेक्स में दुनिया के किस वैश्विक पैमाने पर आप बेहतरी की तरफ ले गए? भुखमरी, बेकारी और
तमाम तरह के अपराधों से तिल तिल करके गांव से लेके शहर का व्यक्ति मर रहा है और ये दुनिया को चले हैं नागरिकता देने, तो इनका यही है कि किस तरह से धार्मिकता बढ़े और किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण बढ़े। क्योंकि इन्होंने विगत 10 सालों में एक बार जो 70 साल का जिनको हिसाब चाहिए, बहुत ही सीना तान के और बहुत ही जो इनके प्रपंची प्रवक्ता हैं स्तुति जान, मनोज सिंह जी आज से तो चला नहीं आ रहा है, ये तो पुरानी बात है, जवाहरलाल नेहरू के समय से ये चला आ रहा है। आज जैसा असित नाथ जी ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम सीए ला रहे हैं, तो पहले से चला आ रहा है। तो ये जो अनुजा जी क्या कहेंगी, दो आरोप विपक्ष आपके साथ बैठा, दो आरोप लगा रहा है। पहला तो ये हो रहा है कि आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, दूसरी बात यह है कि अपनों पे सितम गैरों पे करम, आप अपने लोगों का ख्याल रख नहीं पा रहे हैं, बेरोजगारी और महंगाई से जनता जूझ रही है और दूसरी तरफ आप इस तरह की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो यहाँ पर कांग्रेस के मेरे भाई बैठे हैं छाती चिक चिक कर तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं कि 2012 और 2015 के अंदर सीपीआईएम और कांग्रेस ने ही बोला था कि बांग्लादेशी हिंदू माइनॉरिटीज को आप कब देंगे सीएए, जैसे राम मंदिर के बारे में सवाल पूछा था कब बनाएंगे राम मंदिर, तो बना दिया हमने। आर्टिकल 370 कब हटाएंगे, तो दोहान में हटा दिया। कितनी गंदी आदत है आप, कितनी गंदी आदत है आपकी, कितनी गंदी आदत है आपकी, आप कितनी ही गंदी गंदी कितनी गंदी बोल दीजिए। आपके सवाल का जवाब भी अनुजा दी देंगी, एक बार उन्हें अपनी बात पूरी कर ले दीजिए, आपके पास आएंगे, बताइए। हाँ धन्यवाद, क्योंकि जब मैं अगर ये बोल रहे होंगे इनके मैं बोलूंगी तो इनको तकलीफ होगी। आज जब बात शुरू करने वाले यही लोग हैं जो गांधी जी ने भी कहा, पंडित नेहरू का भी ये कहीं ना कहीं रहा कि इनको देखिए ये इनकी इनकी आदत, मुझे लगता है कि अच्छी तरह से व्यूअर्स देख सकते हैं कि आप सभी लोग अपनी बातें रख सकिए। अनुजा जी को बोलने दीजिए, उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा, आप भी अपनी बात रख पाएंगे। अनुजा जी बताइए। मेरे लिए तो इसलिए वो मना करेंगे ना क्योंकि मैं इनका पूरा आगे पीछे का सारा चिथड़ा खोल दूंगी। राजस्थान तभी तो हमारे हाथ में आ गया, छत्तीसगढ़ तभी तो हमारे हाथ में आ गया, ये बातें करते हैं पावर्टी की। अनुजा जी अभी हमको मुद्दे से नहीं भटकना है, अभी हम सीए की बात कर रहे हैं। इसीलिए आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों के बारे में ये बात कर रहे हैं, आज भी यहाँ पर 20% में मुसलमान ही है और मुसलमानों को बाहर नहीं निकला है, कोई भी निकाला नहीं। आज भी हम उनको अपने सर आंखों पे बिठा कर रखते हैं, सारे भाई बहन एक साथ रहते हैं और मुझे जहां तक लगता है कि वहां पर मोदी जी की जितनी भी ये आप इनको समझाते नहीं है, इनका 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 म्यूट क्यों नहीं कर देते। चलिए आप इन्हीं से बात कर लीजिए, आप इनको म्यूट अगर आप नहीं कर सकते बात करिए, बताइए जल्दी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। तो मुझे जहां पर बार बार लगता है कि जो रेफ्यूजीज और जो रोहिंग्यास को यहां पर CAA के अंडर ग्रांटिंग ऑफ द सिटीजनशिप है, वो एक असाइलम नहीं है। असाइलम जो है ऑलरेडी इंडिया ग्रांट करता है और अफगानिस्तान को भी करा है, रोहिंग्या को भी करा है और मुस्लिम्स को भी किया और लाखों के तादाद में किया है। और जहां पर आज ये बात करते हैं तो काशी वासी से भी पूछ ले एक बार कि जो इंडियन सूफी फाउंडेशन को ये क्या एक्सटेंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं सीए को कि नहीं। उन्होंने बोला है कि हम सीए को सपोर्ट करते हैं और हम मुसलमान हमारे भाई चिंता ना करें, इंडिया के अंदर मुसलमान महफूज है। हाँ, इनके जैसे कांग्रेस के जो लोग आज दिखते हैं कल नहीं, भूल जाते हैं कि इनका इनका एजेंडा क्या है और भारत जोड़ो यात्रा पर निकल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट को और मुसलमानों को आज हिंदुओं से जोड़ना है, ये कहने वाले लोग आज यहाँ खड़े हो गए। और जिस पॉवर्टी लाइन की आप बात कर रहे हैं ना भाई साहब, वो पॉवर्टी लाइन आपके नंबर में ना बहुत डबल डिजिट पे थी, आज वो डिजिट कहां पर है वो बता दीजिए। आपके टाइम पर इकोनॉमी डबल डिजिट पे थी, आज हमारे यहाँ पर इकोनॉमी जो है वो 5 पर अब 3 पर आने वाली है। तो इसलिए यहाँ बैठकर अपना गाना मत गाइए, क्योंकि जहां पर आज बात करी जा रही है वहां पर आप देखिए कि मैंने बिल पे ट्वीट जो अफ्रीका। असद नाथ जी, क्या आपको नहीं लगता कि ये कानून पहले ही आ जाना चाहिए था? जिन 3 देशों की हम बात कर रहे हैं वहां पर माइनॉरिटीज शोषित हैं, आपको नहीं लगता कि इसे पहले ही लेकर आना चाहिए था कानून को? मुक्ता, इस बढ़ती हुई रेडियो से कुछ बुनियादी सवाल भी पूछिए, कहिए। वो हम सभी की रिपोर्ट नहीं है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है और इनको कुछ भी थोड़ी। असित नाथ जी से पहले इस बात का जवाब लेते हैं कि असित नाथ जी, मैंने जो आपसे सवाल पूछा कि माइनॉरिटीज शोषित हैं जिन 3 देशों की हम बात कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये कानून पहले ही आ जाना चाहिए था? देखिए, आपको जान के आश्चर्य होगा, कुछ दिन पहले जब लोगों को नागरिकता देने की बात होती थी तो आरएसएस और भाजपा के लोग ही चिल्लाते थे कि भारत डस्टबिन नहीं है, कि दुनिया भर के प्रताड़ित लोग आएंगे और यहां बस जाएंगे। आज बड़ी चिंता हो रही है दुनिया भर की माइनॉरिटीज की, इनको भारत की माइनॉरिटीज की चिंता। वो तो कह रहे हैं मानवीय आधार पर दुनिया भर की माइनॉरिटीज की चिंता जी।
लेकिन भारत के माइनॉरिटीज की चिंता नहीं है। तब डस्टबिन हो रहा था देश, आज क्या हो रहा है हमें आप पता ही थी। हम तो तब भी चाह रहे थे, हम अब भी चाह रहे हैं, ठीक है, एक कोई थिन लाइन जरूर होनी चाहिए कि हम वाकई एक ऐसा देश न बन जाएं कि दुनिया में कहीं किसी को तकलीफ हो तो भारत, हम खुद की जनसंख्या नहीं संभाल पा रहे, उनकी क्या संभाल पाएंगे। लेकिन एक मानवीय पक्ष भी हमारा होना चाहिए, वाकई होना चाहिए कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहां बड़ी आबादी भूख से मरने लगे और हम अनाज गोदाम में रखें, ये अच्छी बात नहीं होती है। चलो अगर हम कुछ लोगों को एडजस्ट कर सकते हैं जो वाकई वहां खतरे में है, उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, अगर हम कर सकते हैं तो उनकी थोड़ी मदद कर, ये एक मानवीय आधार पर हमें करना चाहिए। और इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि इस पर डिबेट की जरूरत ही नहीं है। जो आप सीए लाए, और मैं तो इस मामले में भाजपा की तारीफ करता हूं कि बड़ा क्लियर एजेंडा होता है इनका, इनके आरएसएस ने कहा मुसलमान देश के लिए खतरा है और आज भी हर मौके पर साबित करने की कोशिश करते हैं, भले वो खतरा ना हो लेकिन ये कहानियां गड़गड़ के साबित करेंगे। आज देखिए जब नागरिकता देने की बात आई, इन्होंने साफ कहा गैर मुसलमान, कम से कम इनका एजेंडा तो क्लियर है, कोई हौज-पौज तो नहीं है, क्लियर है कि हम मुसलमान विरोधी हैं। हमने ऐसे भी राजनीतिक दल देखे हैं ना जो बात सबकी करते हैं काम किसी की नहीं करते, तो ऐसे राजनीतिक दल से कम ये बेहतर है, क्लियर एजेंडा हम मुसलमान विरोधी हैं तो है और उस रास्ते पर ये आगे चले। लेकिन मुझे लगता है मुक्ता जी कि इस पर कोई बहस इसलिए नहीं की जानी चाहिए। कल ये अधिनियम जारी हुआ, आप बताइए आज देश के किसी नागरिक के जीवन में कोई बदलाव आया? आप ही मुक्ता जी बता दीजिए, क्या इस कानून के बन जाने से एक महीने बाद इस देश के नागरिकों के जीवन में कोई बदलाव आ जाएगा? एक महीना छोड़िए, एक साल बाद कोई बदलाव आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसा कोई कानून, सरकार का ऐसा कोई फैसला जो उस देश के आम नागरिक के जीवन में मामूली बदलाव भी न ला सके, एक रद्दी कानून है डस्टबिन में जाने के लायक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे भारत। मनोज सिंह जी, आखिर आप इस बात का विरोध क्यों कर रहे हैं? मतलब सिर्फ इसलिए क्योंकि मोदी और भाजपा का विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रहे हैं? नहीं मुक्ता, बहुत मुखरता, ये तो बहुत दिन से कह रहे थे कि हम ये कानून लाएंगे और वो ले आ दिए उन्होंने, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि जो हमने कहा था वो हमने किया। मुक्ता बहुत मुखरता से मैंने तो लोगों के मैं कोई अपनी समस्या नहीं, हम लोग एक सम बात कर रहे हैं इस देश के। आपके पास कुछ है नहीं कांग्रेस के प्रवक्ता जी, आप तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, आप बस दूसरों के बीच में बोलना आता है आपको, आप बस दूसरों के बीच में बोलिए, क्योंकि आपका काम ही तोड़ना था, आप जब से आए आप तोड़ ही तो रहे हैं, आपने तोड़ना ही तो शुरू किया, आपको जोड़ना है ना, कहा आप जोड़ सके तो है नहीं तब से आपके लिए। नहीं 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 मुक्ता जी, आपको मुझे भी पूछना है, इनसे पूछिए, समाजवादी पार्टी से नेता है। नहीं नहीं जब मैं बात कर रही थी तो इनसे इसको समझ में आना चाहिए ना, इनको समझ में आना चाहिए कि डिबेट किस तरह से। अनुजा जी अब आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप बोल रही थी तो मैंने उन्हें चुप कराया था, जब वो बोल रहे हैं तो आप भी प्लीज पेशेंस से सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं, फिर आप उसका जवाब दीजिएगा। बताइए मनोज सिंह जी, गंदी बहुत बार इन्होंने मेरे को टोका है, मैं इनको बोलने नहीं दूंगी, इन्हें बोलने नहीं दूंगी मैं, क्योंकि सीए इनके समझ से बाहर है, सीए इनके समझ से बाहर है, ये सिर्फ मुसलमान करते रहेंगे, ये मुसलमान ही करते रहे आज तक, इनको हिंदू से कोई प्रॉब्लम इनके ना दिमाग में बैठता है, ना कश्मीरी हिंदू इनके दिमाग में आता है, ना इन्हें समझ में आता है, और उन लोगों से इन्हें सिर्फ और सिर्फ तोड़ना आता है हिंदू मुस्लिम को, त्याग और बलिदान किया, लेकिन उन लोगों से इस देश के नागरिकों को। चलिए अनुजा जी एक सबसे बड़ा सवाल जो ये है, जो बार बार विपक्ष भी कर रहा है, टाइमिंग्स पर तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे ही, चुनाव की तारीख की घोषणा होने के चंद दिनों पहले इसका ऐलान हो रहा है, तो इसकी टाइमिंग्स पर तो जाहिर सी बात है सवाल उठेंगे। टाइमिंग्स क्या, राम मंदिर को भी टाइमिंग कहते थे ये तो उसमें भी नहीं गए, ये तो टाइमिंग्स की क्या बात है, ये तो 2019 का बना हुआ सीए, ये तो उस वक्त भी कलेश हुए थे, इतने प्रोटेस्ट हुए थे, 100 बंदा मर गया, पता है इन्हें ना कि प्रोटेस्ट के दौरान कितना आदमी मर गया था, कितने लोगों के शॉप जल गई थी, पता है ना इन्हें, क्या कांग्रेस ने करवाया था, कांग्रेस ने करवाया था, कांग्रेस का कार्ड था ये, जो सीए के दौरान जानबूझ के प्रोटेस्ट किया गया, जेएनयू को इकट्ठा किया, ये कांग्रेस का कार्ड था, जिसकी वजह से वहां के लोग शाहीन बाग आंदोलन को भुगतना पड़ा, एक एक करके नहीं बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अनुजा जी चलिए, मैं विपक्ष की तरफ से जो इनका कहना है, उन लोगों का ये कहना है कि चुनाव की तारीख के पहले ये ऐलान किया गया, एक तो आप
कहीं ना कहीं लोगों को रियल इश्यूज से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये मुद्दा लाया गया, अरे ये कानून इस वक्त लाया गया है, जहां एक तरफ बेरोजगारी और महंगाई से लोग जूझ रहे हैं वहां पे ये ला करके ध्यान भटकाने की कोशिश है। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो फटकार लगाई है लोगों का, उससे ध्यान हटाने के लिए इस वक्त ये सीए लाया गया, क्या ये सही है? उस पर आप क्या कहेंगी? नहीं, मुझसे थोड़ी ना सवाल पूछ रहे हैं, अनुजा तो कोई और बैठी है यहाँ पे दाढ़ी में, वही बोलते हैं बार बार, वो दाढ़ी में अनुजा जी आ जाती हैं, बोलना शुरू करती है, पूरी से पूछे सवाल, वही जवाब देंगे। अभी आपकी बात अभी सुनिए, आप बताइए, दाढ़ी वाले भैया जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए, आपसे अनुजा जी का जवाब दीजिए, दीजिए अनुजा जी जवाब दीजिए। इतना देखिए 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 यही सिखाया जा रहा है आजकल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ठीक से देख के आया करो। मैंने तो आंकड़े प्रस्तुत किया, इतना व्यग्र क्यों हुआ? मैंने तो आंकड़े प्रस्तुत किया। आपका काम है डिबेट को सुचारू रूप से चलवाना। अगर आप दोनों ही लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे तो फिर फायदा नहीं है, किसी की भी बात सामने नहीं आ पाएगी। अनुजा जी, मैंने जो आपसे सवाल किया आप उसका जवाब दीजिए, आप प्रॉमिस कीजिए ये चुप करके बैठेंगे और सुनेंगे, इनमें इतनी हिम्मत है? आप बोलिए। जहां तक मुझे लगता है कि मैं बार बार इस बात के बारे में शायद मुखर होकर मैं भी बोल चुकी हूं और मोदी जी बोल चुके हैं, अमित शाह जी बोल चुके हैं, और यहाँ का एक एक नागरिक बोल रहा है, और रो रो के ठाकुर बारी और मतुआ बांग्लादेश से आई हुई कम्युनिटी जो है वो रो रो कर थैंक यू कर रही थी मोदी जी को, और जहां पर आज ही कांग्रेस के लोग जो दोबारा से एक अपनी ही गंदी राजनीति चलाने के लिए आ गए, सीएए का गठन 2019 हो चुका था, इन्हीं की गंदी राजनीति की वजह से उसको ऑन द फ्लोर नहीं लेकर आया पाया, उसमें रूल्स का इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन लोगों ने प्रोटेस्ट किए थे, और यहां पर लोगों के साथ प्रोटेस्ट करने की वजह से यहां का जो हाल वो खराब किया गया। मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि मुसलमान मेरा परिवार नहीं है, मोदी जी ने हमेशा कहा कि मुसलमान मेरा परिवार है, मेरे लिए सारी माइनॉरिटी मेरा परिवार है, और हिंदू मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के अंदर बात डिफरेंशिएट नहीं करता, क्योंकि जब स्कीम्स लागू हो रही थी तो मोदी जी ने नहीं कहा कि सड़क पे सिर्फ हिंदू चलेगा, इस पानी पे सिर्फ हिंदू का अधिकार है, इस खाने पे सिर्फ हिंदू का अधिकार है, आज जो फ्री राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, क्या सिर्फ हिंदुओं को मिल रहा है? क्या आज बैंक में आप जाते हैं तो क्या सिर्फ हिंदू का पैसा अंदर डाला जाता है? क्या किसी हॉस्पिटल में जो आज जन अयोध्या को उससे बात हम करते हैं जननिधि से, तो क्या वहां पर आप क्या सिर्फ मेडिसिन से रिलेटेड, चाहे पैसों से रिलेटेड, क्या किसानों में हिंदू मुस्लिम देखा जाता है? गलत गलत ये धारणा है इनकी। आज सीएए आज इनको दुख पड़ रहा है, 70 साल से जो लोग पीड़ित और शोषित रहे, आज उनको जब उनकी उनकी डिग्निटी वापस मिल रही है, उनको जॉब्स मिलेंगी, उनका बेसिक ह्यूमन राइट्स उनको मिल रहा है, यही इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया था, यही इन्होंने पंडितों के साथ किया था, यही ये मॉब लिंचिंग करते हैं। आज जब मोदी जी की बात होती है तो इनको इनको परेशानी हो जाती है, क्यों? असित नाथ जी के अंदर जवाब दीजिए। ये कह रही है कि मोदी जी, तो भाई मुसलमान भी उनके परिवार का हिस्सा, मोदी जी तो खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो बच्चा है तो हम कहां कह रहे हैं कि मुसलमान उनके परिवार के नहीं, हो खुद ही मुसलमान के परिवार के हैं, उन्होंने तो अपनी वल्दियत ही बदल दी थी, सार्वजनिक मंच पे जाके कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूं, तो अब तो वो तो कई तरह की बातें करते रहते हैं, कहां कहां क्या कंफ्यूजन फैलाते रहते हैं वो जाने। अभी एक बीच में चर्चा आई कि हम तीसरी इकोनॉमी बनने की कगार पे हैं। मुक्ता जी, अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा देखा सुना है, दुनिया की कुछ प्रतिष्ठित एजेंसीज हैं जो ये रिपोर्ट जारी करती हैं कि किस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि दुनिया की कोई एजेंसी भारत को अभी पांचवी अर्थव्यवस्था नहीं बता रही है। बता कौन रहा है? एक पार्टी और एक पार्टी के लोग रोज मंचों पर चीख चीख के हम पांचवी हो गए हैं, तीसरी होने वाले। किस एजेंसी ने आपको बता दिया कि आप पांचवी हो गए? अब आप कितनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात करते हैं आप लोग, ये देखिए, देश की 80 करोड़ आबादी, जिस देश की 80 करोड़ आबादी तो 11वें नंबर पे था ना, अनाज पर पल रही है, 11वें नंबर पे भूले हुए तो नहीं। अनुजा जी, मैं नहीं बोलता हूँ, फिर आप बोल लीजिएगा। उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला था, प्लीज आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिएगा, बताइए। आप सुनिए जनाब, बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो। आप तो खूब बोल ही रही, अच्छा बोल रही है, बोल लीजिए। जिस देश की 80 करोड़ आबादी मुफ्त के सरकारी अनाज पर पल रही है, आपके चीखने चिल्लाने से कौन मान लेगा कि आप दुनिया की पांचवी अर्थव्यवस्था हो गई है? जिस देश की करेंसी भूटान की करेंसी से भी कमजोर हो चुकी है, आप अंदाजा लगाइए ये कितनी शर्मनाक बात है
कि हम हमारी करेंसी भूटान की कमजोरी करेंसी से भी आज की तारीख में कमजोर है। हम कह रहे हैं पांचवी अर्थव्यवस्था हो, किस आधार पे कह रहे हैं भैया? अंदाजा है इसका? बस ऐसे ही फेंकते रहिए, हम पांचवी हो गए, कल कहने लगे हम तीसरी हो गए। दुनिया की तमाम एजेंसी कह रही है कि आप सातवीं छठी के बीच में कहीं हैं, और हमारा प्रधानमंत्री रोज मंच पर जाकर झूठ बोल जाता है हम पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। ऐसा मत कीजिए, दुनिया की निगाह भी, आप दुनिया से अलग कोई देश नहीं है। आपको लगता है कि हम जो बोल रहे हैं हम ही सुन रहे हैं, हम ही प्रसन्न हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। पूरी दुनिया की निगाह इस देश पर होती है, एक बड़ा देश है, पूरी दुनिया की निगाह इस देश पर है, और पूरी दुनिया में आप मजाक का पात्र बन रहे हैं। पूरी दुनिया को लगता होगा कि यार ये कैसा पीएम है, अपने ही देश में रोज इतनी झूठी बातें करता है। तीसरी हो गए हम, पांच करोड़ आबादी सरकारी है, बेरोजगारी आजादी के बाद कम पर इतनी बड़ी पहले कभी देखी नहीं गई थी। हम पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए तो मिला क्या देश? अच्छा मान लिया हम पांचवी अर्थव्यवस्था हो गए तो क्या मिला? 80 करोड़ ऐसी आबादी जिसे सरकारी अनाज पर पलना पड़े, क्या मिला? दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी बेरोजगारी मिली हमें पांचवी अर्थव्यवस्था से। ऐसी अर्थव्यवस्था को कूड़े में फेंकी है ना, जो देश की करेंसी को भूटान से भी कमजोर कर दे, जो 80 करोड़ लोगों को सरकार की इमदाद पर पलने के लिए मजबूर कर दे, क्या करें ऐसी अर्थव्यवस्था का? तो किस ग्राउंड पे दावा है? अगर आपका ये दावा है तो देश को बर्बाद करने वाला दावा है। आप कहते थे 100 दिन में हम हला देंगे, और आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बताओ इलेक्टोरल बॉन्ड, तो छुपाने की कोशिश हो रही है। विदेशों से काला धन लाने वाले अपने देश का इलेक्टोरल बॉन्ड बताने से क्यों भाग रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं बताइए? तो आपके ये तमाम दावे झूठ के पुलिंदे हैं। आप लोग इस देश को इतना बर्बाद कर चुके हैं कि कुछ दिनों बाद श्रीलंका से ज्यादा बुरी स्थिति होगी। आपको मालूम है जीडीपी का, टोटल जीडीपी का 20% हम लोग विदेशी कर्ज का इंटरेस्ट दे रहे हैं आज की तारीख में, और 2014 से पहले ये 4.8% था। चलिए इसको 5 ही मान लेते हैं। आज आप परसेंट इंटरेस्ट में दे रहे हैं जीडीपी का। इतना बड़ा इंटरेस्ट आपको दुनिया को देना पड़ रहा है, आज से 10 साल बाद आपके देश की स्थिति क्या होगी? इतना कर्जा आप लोगों ने खा लिया, इतना कर्जा से बड़ा, इतना बड़ा अमाउंट हमें ब्याज में देना पड़ रहा है। एक बार हम फिर से मुद्दे पर आते हैं अनुजा जी, जैसे कि बार बार ये इसमें बार बार चाहे इसे आप गलतफहमी के लोगों को ये लगता है कि ये मुस्लिमों के खिलाफ है। अगर आप देखिए हमारे संविधान की जो आत्मा है वो सेकुलर है, लेकिन अगर उसमें हम एक समुदाय को सेक्लूड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो बनता ही है कि सिटीजनशिप ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन के सेकुलर स्पिरिट को डिफीट नहीं करता है? एथनो रिलीजियसली क्लेंस्ड श्रीलंका के तमिल हिंदूज हैं, ये तो मेरे भाइयों को पता होगा, उनको भी इंक्लूड नहीं किया हुआ सीएए में, ठीक है? तो ये जो आज यहां बैठकर बहुत बातें कर रहे हैं ना, इनको इनको खुद को नहीं पता कि इनको किस बात के बारे में बात करने के लिए आए हैं, इन्हें नहीं मालूम है। आज इन मुस्लिमों के बारे में जानबूझ के बार बार कहते हैं, वही मुस्लिम लोग खुद ही कहते हैं बार बार, काशी वजीर भाई खुद ही कह रहे हैं कि हम लोग तो साथ में खड़े ऐसी है कि पता नहीं कौन से मुस्लिम है। हाँ शिया सुन्नी का कुछ इशू हो रहा होगा तो मुझे नहीं पता, आप जाके फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ही जाके पूछिए, क्योंकि इंडिया में तो सिया सुन्नी से रिलेटेड कोई इशू नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे लिए मुसलमान भाई मुसलमान है, सिया सुन्नी से रिलेटेड नहीं है कोई भी। हाँ आप लोग की तकलीफें अपने अंदर कुछ है, कांग्रेस के साथ है तो कांग्रेस ही ज्यादा इसमें घुसती है, क्योंकि मोदी जी तो नहीं घुसते हैं। ममता बनर्जी और केरल के सीएम तो खुलेआम कह रहे हैं कि वो इसे लागू नहीं करेंगे, तो अब क्या केंद्र सरकार का कानून नहीं मानेंगे राज्य? ये तो आप इन्हीं से पूछिए कि कानून मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, या मानेंगे कि नहीं मानेंगे उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दर्ज करी जाएंगी, उस हिसाब से काम चलेगा। दिस इज द लॉ ऑफ द लैंड, और अगर लॉ ऑफ द लैंड इनको नहीं समझ में आता तो ये दोबारा से जरा समझ लें और लॉ को पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत हो गया 70 साल बहुत हो गए। आप उनको बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद।